केजरीवाल को 10वें सवन के बाद गिरफ्तार कर लिया है और आम आदमी पार्टी सवाल खड़े कर रही है कि सिटी सीएम को किस तरीके से ऐसे गिरफ्तार नहीं, नहीं, नहीं। ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, क्यों कह रहे हैं साहब? मोदी जी और अमित शाह जी ने गिरफ्तार किया है, ईडी तो मुखौटा है। हम नहीं समझते हैं क्या? बीते 8-9 वर्षों में हमने कुछ और नहीं देखा है? ये है किस मुंह से जाके प्रधानमंत्री जी विदेश में कहेंगे? तो मैं लोकतंत्र की जननी से आया हूं, जहां लोकतंत्र की मां का आप ज़िबह कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। हेमंत सोरेन, अपनी कहानी तो मैं क्या ही कहूं, तेजस्वी जी हों, लालू जी हों, यह आप सबको जाहिर है, और अब अरविंद केजरीवाल जी। तो ये जो इकोसिस्टम प्रधानमंत्री जी, आप और आपके गृहमंत्री जी मिलकर बना रहे हैं ना, कि जिस इकोसिस्टम में लोकतंत्र में लोकतंत्र की हत्या हो और उस पर आप लेजिटिमेसी की मुहर लगवाने के लिए ईडी का इस्तेमाल करते हैं, कोई हमेशा के लिए नहीं होता है प्रधानमंत्री जी, याद रहे, इतिहास लेकिन स्मरण रखेगा। और कल को जब आप सत्ता में नहीं होंगे, ये सब झेलना पड़ेगा, क्योंकि आपने इन संस्थाओं के चरित्र को खत्म करके रख दिया है। आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट चली गई है, आज नेशन वाइड प्रोटेस्ट भी बुलाया गया है, बीजेपी कार्यालय को घेरने। देखिए सीधी सी बात है, मैंने आपको शुरू में ही कहा कि ये ईडी है ही नहीं, आईटी नहीं है, सीबीआई नहीं है। अभी बिहार में भी शुरू करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, 100-125 लोगों की लिस्ट बनी हुई है, ये 2-4 दिन के अंदर अब बिहार में धावा बोलेंगे। अब ये पॉलिटिकल लड़ाई पॉलिटिकल ही नहीं लड़ते हैं जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, ये पॉलिटिकल लड़ाई लड़ते हैं इस तरह के तौर तरीकों से, इस तरह के हथकंडों से, जिसमें लोकतंत्र को इन्होंने तय कर लिया है। खत्म कर दें, चुनाव नाम मात्र का हो, बैंक अकाउंट फ्रीज कर दो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी की, सारे बड़े लीडर्स को अरेस्ट कर लो, फिर चुनाव किस बात का भाई? ये तो हम पता नहीं कौन से टिन पॉट डिक्टेटरशिप में रह रहे हैं।